NIOS के स्टूडियो में आपका स्वागत है। मैं डॉक्टर गीतिका मेहरोत्रा, शिक्षक प्रशिक्षक देहरादून। शिक्षक प्रशिक्षण के क्षेत्र में मैं कई वर्षों से जुड़ी हुई हूँ और इसके अनुसंधान कार्यों में भी रत हूँ। आज यहाँ पर बच्चों में अभिवृत्ति का विकास, इस विषय पर चर्चा होगी या इस विषय पर मैं आपको कुछ जानकारियाँ दूंगी। आशा है वे आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी, क्योंकि बच्चों में सही अभिवृत्ति का विकास करने के लिए शिक्षक और अभिभावकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। सबसे पहले जब हम अभिवृत्ति की बात करते हैं तो ये जानना जरूरी है कि अभिवृत्ति क्या है। अभिवृत्ति एक मनोसामाजिक संप्रत्य है जो कि हमारे मन से जुड़ी है और हमारे सामाजिक अनुभवों पर भी आधारित होती है। अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, ये लैटिन भाषा के शब्द अभिवृत्ति या मनोवृत्ति, ये लैटिन भाषा के शब्द एप्टस से ली गई है, जिसका अर्थ होता है उत्पन्न होना या योग्यता। मनोवृत्ति की परिभाषा, अभिवृत्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति धनात्मक अथवा ऋणात्मक भावों की तीव्रता है। एक मनोवैज्ञानिक वस्तु कोई भी प्रतीक, मुहावरा, नारा या विचार है जिसके प्रति लोग धनात्मक भावों में भिन्नता रखते हैं। ऑलपोर्ट, सही कहा है ऑलपोर्ट ने कि अभिवृत्ति किसी भी मनोवैज्ञानिक वस्तु के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक भाव है। हम किसी व्यक्ति को या किसी वस्तु को या किसी परिस्थिति को या किसी विचार को या तो पसंद करते हैं और या नापसंद करते हैं, और इसी तरीके से हमारी अभिवृत्तियों का भी विकास होता है। बोगार्डस के अनुसार मनोवृत्ति कार्य करने की प्रवृत्ति है जो वातावरण से संबंधित तत्वों की ओर होती है या उसके विरुद्ध होती है, जिसके कारण यह एक सकारात्मक मूल्य की ओर हो जाती है। अभिवृत्ति किसी वस्तु के प्रति होती है, उस वस्तु के प्रति उसमें कुछ मनोभाव होते हैं जैसे पसंदगी या नापसंदगी, और मनोभावों के फलस्वरूप बालक कोई भी व्यवहार कर सकता है। अभिवृत्ति बहुत ही निजी और संवेगात्मक रंग में रंगी हुई होती है। हमारे मनोभाव उस पर बहुत ज़्यादा प्रभाव डालते हैं कि किस बात को हम पसंद करेंगे और किस बात को हम नापसंद करेंगे। अभिवृत्ति की प्रकृति बहुत जटिल होती है। किसी भी बालक के अंदर या किसी भी व्यक्ति के अंदर अभिवृत्ति का विकास कैसे हुआ, किस तरह से हुआ और कौन सी अभिवृत्ति का विकास हुआ, ये जानना बहुत कठिन होता है। अभिवृत्ति का अनुभव किया जाता है, अर्थात अभिवृत्ति हमारे अनुभवों से जुड़ी होती है और यही अनुभव हमारी अभिवृत्ति को स्थायी बनाने का कार्य करते हैं। अभिवृत्ति एक मानसिक दशा है जो सामाजिक व्यवहार की अभिव्यक्ति में भूमिका निभाती है। ये आप मन की एक स्थिति कह सकते हैं, और मन की स्थिति के कारण अभिवृत्ति अलग अलग मानसिक दशाओं में अलग अलग भी हो सकती है, और जब हम सामाजिक व्यवहार करते हैं तो उसमें हमारी अभिवृत्ति दिखाई देती है, उसमें अभिवृत्ति की अभिव्यक्ति दिखाई देती है, और ये अभिव्यक्ति अलग अलग सामाजिक परिस्थितियों में अलग अलग होती है। अभिवृत्ति को अगर हम देखें तो इसके अलग अलग आयाम होते हैं, जिसमें पहला आयाम है संज्ञानात्मक। अभिवृत्ति का संबंध किसी ना किसी विचार से होता है। अभिवृत्ति का विकास बालक में उसके ज्ञान से संबंधित होता है। जिस तरीके का ज्ञान हम बालक को देते हैं उसी तरह की अभिवृत्ति उसमें विकसित होती है। जैसे हम कहते भी हैं कि बालक की प्रकृति बहुत जड़ है, वो किसी बात को सुनता नहीं है, अर्थात उसको ज्ञान में वो जड़ता मिली है, जिसके कारण उसकी अभिवृत्ति भी जड़ होती चली गई है और वो जल्दी से अपने विचार को परिवर्तित नहीं करता या जल्दी से किसी बात को नहीं सुनता है। और अगर उसकी अभिवृत्ति सही तरीके से विकसित होगी तो उसमें लचीलापन भी दिखाई देता है कि वो समय और परिस्थिति के अनुसार उसको बदल लेता है। अभिवृत्ति का दूसरा आयाम है भावात्मक आयाम।
अभिवृत्ति एक प्रकार की मनोभावना है जो किसी वस्तु, परिस्थिति या विचार से जुड़ी होती है। अतः प्रत्येक अभिवृत्ति में एक भावात्मक आयाम होता है। उसके फलस्वरूप बालक किसी विषय, किसी वस्तु, किसी व्यक्ति को चाहता है या नकारता है, उसको प्राप्त करता है या उससे बचना चाहता है, उसे पसंद करता है या उसे नापसंद करता है। और यह आपने देखा भी होगा कि अगर हमने भावना से किसी चीज़ को स्वीकार किया तो हम उसके लिए कुछ भी काम करना चाहते हैं, और यदि भावनात्मक रूप से कोई चीज़ हमें अस्वीकार होती है तो हम उससे बचना चाहते हैं या फिर हम उसे पसंद नहीं करते हैं। तीसरा आयाम आता है क्रिया या व्यवहारात्मक। इस आयाम में हमने जो ज्ञान लिया, जो भावना में समावेशित किया, आत्मसात किया, उसी को हम अपने व्यवहार में दर्शाते हैं। अभिवृत्ति किसी व्यवहार या कार्य करने की भावनात्मक तत्परता है। इस तत्परता के फलस्वरूप ही बालक अपने व्यवहार को निर्देशित एवं संचालित करता है। आपने देखा भी होगा कि बालक में जिस अभिवृत्ति की पसंद होती है या जिसको वो पसंद करता है उसके लिए वो दौड़ दौड़ के काम करने को तैयार हो जाता है, लेकिन जिस अभिवृत्ति को या जिस व्यक्ति और वस्तु के प्रति उसका लगाव नहीं होता, उसकी सकारात्मक अभिव्यक्ति नहीं विकसित होती है, उस काम के लिए या उस विचार के लिए वह जल्दी से तैयार नहीं होता है और दूर दूर भागता है। अभिवृत्ति की अनेक विशेषताएं होती हैं, जिसमें पहली विशेषता है कि अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती अपितु सीखी गई अथवा अर्जित होती है। अभिवृत्ति को आप जन्म से नहीं जोड़ सकते या आप वंशानुक्रम से नहीं जोड़ सकते, बल्कि यह हम अनुभव के द्वारा सीखते हैं, यह हम ज्ञान के द्वारा सीखते हैं। और जो ज्ञान हमें माता पिता, शिक्षकों या हमारे वातावरण और सामाजिक परिस्थितियों के द्वारा दिया जाता है। अभिवृत्ति किसी न किसी परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान, वस्तु, विचार के प्रति होती है। और जब हम अभिवृत्ति की इस विशेषता की ओर बढ़ते हैं कि अभिवृत्ति अर्जित की होती है और अभिवृत्ति किसी परिस्थिति, व्यक्ति, स्थान या वस्तु विचार के प्रति होती है, तो मुझे एक कहानी याद आती है जिसमें कि एक छोटा सा बच्चा जब स्कूल जाता है तो वो वहाँ से एक पेंसिल चुरा कर ले आता है और घर आकर अपनी माँ को दिखाता है। उसकी माँ की किसी भी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। अगली बार वो एक रबर चुरा के ले आता है, तब भी उसकी माँ कोई प्रतिक्रिया नहीं करती है। ऐसे करते करते वो कुछ और बड़ी चीज़ चुराता है, कभी किताब ले आता है, कभी किसी के पैसे चुरा कर ले आता है, लेकिन उसकी माँ की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दिखाई देती है। इस तरह की वृत्ति का विकास होते होते वो चोर बन जाता है और बड़े होकर चोरी करने लगता है। एक बार वो किसी बड़ी चोरी में पकड़ा जाता है तो जब पुलिस उसे पकड़ कर ले जा रही होती है तो वो पुलिस से कहता है कि मुझे एक बार अपनी माँ से मिलने दो। और जब वो माँ से मिलने जाता है तो माँ के पैर छूता है और पैर छूने के बाद नाक और कान दोनों काट लेता है। पुलिस वाले बहुत आश्चर्यचकित होते हैं और उससे पूछते हैं कि बेटा, तुमने अपनी माँ के नाक और कान क्यों काटे? तो उसने कहा कि ये माँ ही है जिसके कारण मैं आज जेल जा रहा हूँ। अगर जब मैंने पहली चोरी करी थी तब मेरी माँ मुझे रोक देती या डांट देती तो मेरे अंदर इस नकारात्मक अभिवृत्ति का विकास ही नहीं होता। तो ये अभिवृत्ति उसकी अर्जित करी हुई थी जो उसके माँ के गलत मार्ग निर्देशन के कारण मिली थी। अगर उसकी माँ उसी समय उसे मना करती तो उसके अंदर ये नकारात्मक अभिवृत्ति विकसित ही नहीं होती। और इस नकारात्मक अभिवृत्ति के विकास के लिए उसने किस परिस्थिति को जिम्मेदार माना, किसको जिम्मेदार माना, वह उसकी माँ थी और परिस्थिति थी कि उसकी माँ ने जब पहली बार चोरी करने पर उसे मना नहीं किया, जिसके कारण उस अभिवृत्ति का उसके अंदर विकास हुआ। तो ये छोटी सी कहानी दर्शाती है कि माता पिता या शिक्षक का कि जरा सी प्रतिक्रिया बालक के लिए कितना मायने रखती है। तीसरी अभिवृत्ति की विशेषता आती है कि अभिवृत्ति स्थायी ना होकर परिवर्तनशील होती है। नवीन अनुभव के आधार पर उसमें परिवर्तन करना संभव है। ये हमारे
लिए हमारी शिक्षा पद्धति को और आसान बना देती है कि यदि बालक में किसी गलत अभिवृत्ति का विकास हो गया है तो हम उसमें परिवर्तन करने का प्रयास करें, और ये परिवर्तन उसे हम सही रूप से शिक्षित करके कर सकते हैं। कोई भी अभिवृत्ति एक आयु तक स्थायी नहीं होती है, इसलिए उसमें परिवर्तन करना आसान होता है। अभिवृत्ति हमारे क्रियाकलापों एवं व्यवहारों को प्रभावित करती है। जिस तरह की अभिवृत्ति हम लेकर चलेंगे वो हमारे व्यवहार में दिखाई देगी। हमारे अंदर आलस की अभिवृत्ति वृत्ति पनप हमारे हमारे अंदर आलस की अभिवृत्ति पनप रही है तो हम आलसी कहलाएंगे। हमारे अंदर क्रियात्मक अभिवृत्ति का विकास हो रहा है तो हम हमेशा क्रियाशील दिखाई देंगे। किसी काम को करने की तत्परता हमारे अंदर दिखाई देगी, तो जिस तरह की अभिवृत्ति उस तरह का व्यवहार बालक में प्रतिलक्षित होता है। अगली विशेषता है अभिवृत्ति की अगली विशेषता है अभिवृत्ति की अभिवृत्ति हमारे रूप, रंग, परंपरा एवं संस्कृति द्वारा अधिकतर निर्धारित होती है। ये बहुत सही बात है कि हमारा समाज, हमारी संस्कृति ये निर्धारित करती है कि हमारे अंदर किस अभिवृत्ति का विकास हो। जैसे लड़कियों को हम लड़कों से ज़्यादा समायोजन की शिक्षा देते हैं, लेकिन अब वक्त ये है कि हम लड़के और लड़कियों दोनों में समान रूप से समायोजन करने के अभिवृत्ति का विकास करें, और ये जिम्मेदारी माता-पिता के रूप में हमारी है, शिक्षक के रूप में हमारी है। अभिवृत्ति का प्रयोग दैनिक जीवन में हमेशा होता है। ऐसा नहीं है कि अभिवृत्ति हमारे अंदर विकसित हुई है तो हम कभी कभार उसका प्रयोग कर रहे हैं। अभिवृत्ति हमारे नित्य प्रतिदिन के जीवन में दिखाई देती है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहार के द्वारा प्रकट होती है। हमारे व्यवहार में हमारी अभिवृत्ति, चाहे वो नकारात्मक हो चाहे वो सकारात्मक हो, वो दिखाई देती है। अभिवृत्ति के प्रकार, अभिवृत्ति कई प्रकार की होती है। सामाजिक अभिवृत्ति, समाज में हमारा व्यवहार क्या है, ये अभिवृत्ति सामाजिक अभिवृत्ति कहलाती है। अतः बहुत आवश्यक हो जाता है कि समाज में सकारात्मक सहयोगात्मक व्यवहार के लिए हम बालक को शिक्षा काल में ही ऐसी क्रियाओं से जोड़ें जिससे कि उसके अंदर सामाजिक अभिवृत्ति का विकास हो, वो समाज में रहने के योग्य बने, और समाज में अनुशासन का पालन करना, सामाजिक समायोजन करना, ये बालक के व्यक्तित्व का अभिन्न अंग होना चाहिए। तभी हम सही रूप से सामाजिक अभिवृत्ति का विकास उसके अंदर कर सकेंगे। दूसरा अभिवृत्ति का प्रकार आता है विशेष व्यक्तियों के विषय में धारणा। किसी व्यक्ति विशेष के लिए हमारे मन में किस प्रकार की धारणा है, ये भी हमारी अभिवृत्ति दर्शाती है। और बालक में इस तरह के अभिवृत्ति का विकास कई बातों पर निर्भर करता है कि बचपन में उसके आसपास का वातावरण कैसा है, उसके आसपास किस तरह के व्यक्ति हैं जो कि उसके जीवन पर प्रभाव डालते हैं, बचपन में उसे किस तरह के लोगों के बारे में बताया गया है। शिक्षा काल में जब उसका शिक्षा काल शैशवावस्था से आरंभ होता है तो उसे किस तरीके के व्यक्तियों की कहानियाँ सुनाई गई हैं। ठीक है, आप राम की कहानी सुनाएंगे तो वो राम की अभिवृत्ति की तरफ आकर्षित होगा, अगर आप रावण की कहानी सुनाएंगे तो वो रावण की अभिवृत्ति की तरफ आकर्षित होगा। तो विशेष व्यक्तियों की कहानियाँ बच्चे की अभिवृत्ति विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तीसरे तरह की अभिवृत्ति आती है विशिष्ट समूहों के प्रति अभिवृत्ति। किसी समूह विशेष के प्रति बच्चे की अभिवृत्ति किस प्रकार विकसित होती है, ये एक तीसरे प्रकार की अभिवृत्ति है जिसमें बालक विभिन्न समूहों के प्रति अलग अलग अभिवृत्ति दर्शाता है। जैसे लड़कियों का समूह, लड़कों का समूह, बड़े लोगों का समूह। ठीक है, अगर रंगों के आधार पर हम बांटें तो काले रंग के लोगों का समूह, गोरे लोगों का समूह, पढ़े लिखे लोगों का समूह, कम पढ़े लिखे लोगों का समूह, एक व्यापारी वर्ग हो जाता है। तो किस समूह के प्रति बालक किस प्रकार की विचारधारा रखता है, ये उसकी विशिष्ट समूहों के प्रति अभिवृत्ति कहलाती है। अभिवृत्ति की प्रकृति, ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है
कि अभिवृत्ति की प्रकृति कैसी होती है और किस तरह से ये बच्चे में अभिवृत्ति का विकास करने में मदद करती है। पहली प्रकृति होती है या पहले तरह की अभिवृत्ति हम लेकर चलते हैं, धनात्मक अभिवृत्ति, सकारात्मकता का विकास। बालक के अंदर इस तरह की अभिवृत्ति किसी व्यक्ति, किसी वस्तु, किसी परिस्थिति के लिए सकारात्मक विचारों को उत्पन्न करती है। इसमें आप बहुत अच्छा उदाहरण ले सकते हैं छत्रपति शिवाजी की माँ जीजाबाई का, जिसने छत्रपति शिवाजी के अंदर वीरता की अभिवृत्ति का विकास किया, किसी से ना डरने वाली अभिवृत्ति का विकास किया, सत्य और धर्म का पालन करने वाली अभिवृत्ति का विकास किया, तो ये उसकी धनात्मक अभिवृत्ति कहलाती है। इस तरह की धनात्मक अभिवृत्ति के विकास में हम उनके गुरु समर्थ गुरु रामदास की भी अवहेलना नहीं कर सकते। उनका महत्वपूर्ण योगदान छत्रपति शिवाजी के विकास में रहा है। दूसरी प्रवृत्ति आती है या दूसरी अभिवृत्ति आती है ऋणात्मक अभिवृत्ति। ऋणात्मक अभिवृत्ति वाली जो उसकी अभिवृत्ति की प्रकृति होती है वो ऋणात्मक गुणों का विकास करती है। किसी भी वस्तु के प्रति नकारात्मक विचार, किसी व्यक्ति के प्रति नकारात्मक व्यवहार या किसी परिस्थिति के प्रति नकारात्मक प्रतिक्रिया, इसको हम जो अभिवृत्ति का कि अभिवृत्ति की प्रकृति कहेंगे, इसको हम ऋणात्मक प्रकृति कहेंगे। जैसे रावण के व्यक्तित्व का विकास, रावण अपने आप में बहुत गुणी था, बहुत विद्वान था, लेकिन उसकी इस शिक्षा, इस विद्वान होने की जो अभिवृत्ति थी, उसको एक नकारात्मक अभिवृत्ति की तरह विकसित कर दिया गया था, क्योंकि उसकी माँ ने उसे ये सिखाया था कि तुम्हें देवताओं पर विजय पाकर किसी भी तरह, चाहे उसके लिए तुम्हें कोई भी मार्ग अपनाना पड़े सही या गलत, उन पर विजय प्राप्त करके संपूर्ण ब्रह्मांड पे अपना राज्य करना है। तो इस ऋणात्मक अभिवृत्ति की प्रकृति के कारण रावण का जो व्यक्तित्व था वो नकारात्मक दिशा में विकसित होने लगा था। तीसरी प्रकृति जो आती है शून्य अभिवृत्ति। शून्य अभिवृत्ति से तात्पर्य है कि हम किसी भी परिस्थिति, किसी भी विचार, किसी भी व्यक्ति के प्रति किसी तरह की प्रतिक्रिया ही ना दें, हमारा कोई विचार ही ना बने। तो इस तरह की अभिवृत्ति का होना बालक के विकास के लिए अच्छा नहीं माना जाता है। क्यों? क्योंकि बालक में चेतनता होनी चाहिए, उसे अपने विचार प्रकट करने चाहिए। किसी भी परिस्थिति, किसी भी विचारधारा के प्रति धनात्मक या ऋणात्मक अभिवृत्ति को व्यक्त करना बालक की प्रकृति में होना चाहिए, नहीं तो उसके जो व्यक्तित्व का विकास होगा वो दिशा विहीन सा होता चला जाएगा, उसे कोई भी दिशा दिखाई नहीं देगी। इसलिए शून्य अभिवृत्ति की प्रकृति की तरफ जाना बालक के लिए कभी भी अच्छा नहीं होता है। अब प्रश्न ये उठता है कि बच्चों के अंदर हम अभिवृत्ति का निर्माण, परिमार्जन एवं पोषण कैसे करें, किस तरीके से बच्चों की शिक्षा को आगे बढ़ाएं कि वो परिमार्जित हो, पोषित हो और सही अभिवृत्ति की तरफ बढ़े। सबसे पहली बात आती है कि अभिवृत्ति का निर्माण अनुभवों के आधार पर होता है। बालक के अंदर अभिवृत्ति जो विकसित होती है वो पूर्णतः उसके अनुभव पर आधारित होती है। तो बहुत आवश्यक है कि बालक के विकास की अवस्थाओं के समय उसको हम सही अनुभव दें, उसके साथ हम सही व्यवहार करें। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति उसके मानसिक पटल पर ऐसा प्रतिबिंब ना डाले कि जिससे उसके अंदर गलत अभिवृत्तियों का विकास होना शुरू हो जाए। दूसरी बात आती है कि बालकों में अभिवृत्ति के निर्माण में शिक्षकों की भूमिका महत्वपूर्ण है। बिल्कुल ठीक है कि बालकों में अभिवृत्ति के निर्माण के लिए शिक्षक अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर शिक्षक महत्वपूर्ण ना होता तो गुरु वशिष्ठ ने कभी भी राम जैसे व्यक्तित्व का निर्माण ना किया होता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने विवेकानंद को आगे ना बढ़ाया होता और विवेकानंद जैसा व्यक्तित्व हमारे बीच ना उत्पन्न हुआ होता। तो शिक्षक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है बालक में सही अभिवृत्ति का विकास करने के लिए, बालक की गलत अभिवृत्ति को तोड़ने के लिए। दोनों तरह की भूमिका शिक्षक को निभानी पड़ती है कि अगर बालक में सही अभिवृत्ति का विकास हो रहा है तो वो उसको प्रश्रय दे, लेकिन अगर गलत अभिवृत्ति का विकास हो रहा है तो वो उसे तोड़े, उसको रोके कि नहीं, इस तरह की अभिवृत्ति का विकास तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए हानिकारक है।
तीसरी बात आती है सामाजिक सिद्धांतों के अनुसार बालक, माता पिता, दादा दादी या शिक्षक की परस्पर क्रिया के द्वारा मिले व्यवहारिक अनुभव से अभिवृत्ति का निर्माण करता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि हम जिस समाज में रहते हैं वो एक संयुक्त परिवार की परिकल्पना करता है, जहाँ पर माता पिता के साथ दादा दादी और नाना नानी, चाचा चाची, बुआ फूफा, इनका अस्तित्व भी है। और इस तरह के परिवार में रहने के कारण बालक के अंदर एक अलग ही तरह का व्यवहारिक अनुभव उसे प्राप्त होता है और उससे व्यवहारिक अभिवृत्ति का विकास उसके अंदर होता चला जाता है। और इसीलिए आवश्यक हो जाता है कि उसके माता पिता उसे सही वातावरण दें, विभिन्न संबंधों के प्रति उसको सही अनुभव प्रदान करें, सही तरह की प्रतिक्रियाएं जताएं, जिससे कि वो आगे जाकर इन व्यवहारों, इन संबंधों के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति का निर्माण कर सके। एक अन्य बात आती है कि बालक की अभिवृत्तियाँ वयस्कों के व्यवहार से प्रभावित होती हैं। हमें हमेशा शिक्षक के रूप में, माता पिता के रूप में अपनी अभिवृत्तियों पर भी नियंत्रण करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये बालक के सामने एक प्रारूप प्रस्तुत करती हैं। अगर हमारी ही अभिवृत्ति गलत तरीके से विकसित होगी तो बालक से हम सही व्यवहार की अपेक्षा कभी नहीं कर सकते हैं। और बहुत आवश्यक हो जाता है कि अपनी अभिवृत्तियों पर हम सदैव नियंत्रण रखें। बालक की अभिवृत्ति पर और उसके निर्माण पर प्रभाव डालने वाले माता पिता या शिक्षक की अनेक विशेषताएं अभिवृत्तियों के निर्माण, परिमार्जन एवं पोषण को प्रभावित करती हैं, जिसमें पहला है प्रामाणिकता। स्वयं में अभिवृत्ति सुदृढ़ होनी चाहिए। जिस अभिवृत्ति को हम बालक में विकसित करना चाहते हैं उसका कोई नकारात्मक असर या नकारात्मक प्रभाव बालक पर नहीं पड़ना चाहिए। वो अपने आप में इतनी सुदृढ़ होनी चाहिए कि उसका प्रभाव पड़ने पर बालक का व्यक्तित्व भी सुदृढ़ता की तरफ बढ़े। दूसरा है विश्वास पात्रता। जो व्यक्ति बालक को अभिवृत्ति के विकास की ओर ले जा रहा है उसका स्वयं का कथन विश्वास योग्य होना चाहिए। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम बालक को माता पिता या शिक्षक के रूप में कोई बात बताते हैं सिर्फ अपना प्रभाव डालने के लिए, लेकिन जब वही बालक बड़ा होता है तो आगे जाकर उसे कथन की वास्तविकता पता चलती है या व्यवहार की वास्तविकता पता चलती है तो वो बहुत निराश होता है कि जिस पर या जिन पर उसने विश्वास किया, जिनके व्यवहार को उसने अनुकरणीय बनाया कि वही आगे जाकर इस व्यवहार का अनुकरण करेगा, वे ही विश्वास के योग्य नहीं थे। क्यों? क्योंकि उनका कथन और उनका व्यवहार बिल्कुल झूठा सिद्ध हो गया। तो ये बालक के अंदर फिर एक नकारात्मक व्यवहार या नकारात्मक अभिवृत्ति को जन्म दे देता है। तो इस बात को बहुत ध्यान में रखना चाहिए कि हमारे अंदर हम विश्वास पात्रता बालक के सामने सिद्ध कर सके। तीसरा आता है विशेषज्ञता। यूं ही किसी अभिवृत्ति की बात करना, किसी मनोवृत्ति को विकास की तरफ ले जाना जरूरी नहीं होता जब तक कि हम उस अभिवृत्ति के बारे में स्वयं ठीक तरीके से ना जानते हों। किसी भी बात पर अपने विचार दे देना, बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देना, किसी भी तरह का व्यवहार करना, ये सब बातें बालक पर गलत प्रभाव डालती हैं। तो इसमें तब तक हमें बालक से ये आकांक्षा या ये उम्मीद नहीं करनी चाहिए कि उसको हम सही अभिवृत्ति की ओर ले जा रहे हैं, जबकि उस अभिवृत्ति के प्रति हमारे अंदर विशेषज्ञता ना हो, हमारे अंदर उसकी संपूर्ण जानकारी ना हो। अभिवृत्ति के अनुरूप आचरण बहुत जरूरी बात है कि जो अभिवृत्ति है उसके अनुरूप आचरण अगर हम बालक से चाहते हैं तो हमें अपने आचरण में भी उसी तरह का नियंत्रण विकसित करना होगा। उसी अभिवृत्ति के अनुरूप हम आचरण करें। हम बालक से तो ये चाहें कि नहीं वो सच बोले, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम झूठ बोल रहे हैं। वो ईमानदारी से जिए लेकिन हम उसे ईमानदारी नहीं सिखा रहे हैं। और आजकल तो एक बहुत छोटा सा उदाहरण आता है कि हम सबसे ये चाहते हैं, इवन छोटे छोटे बच्चों से, कि वो स्वच्छता का ध्यान रखें, लेकिन हम स्वयं वयस्क के रूप में इस बात का कभी भी ध्यान नहीं रखते। तो बालक के अंदर सही अभिवृत्ति का विकास नहीं होता। फिर वांछित अभिवृत्तियों को पुरस्कृत करना, जिससे कि बालक सुखद अनुभवों से जुड़ सके और उस अभिवृत्ति को आगे बढ़ा सके।
वांछित अभिवृत्ति की समझ को विकसित करना और अवांछित से उसके भेद को स्पष्ट करना, कौन सी अभिवृत्ति सही है, कौन सी अभिवृत्ति गलत है, इस बात में बालक को स्पष्ट अंतर होना चाहिए, तभी वो सही अभिवृत्तियों को अपनाएगा और गलत को हटाएगा। वांछित प्रवृत्ति से युक्त प्रतिमान प्रस्तुत करना, चाहे कहानी के द्वारा, चाहे उदाहरणों के द्वारा, ऐसे चीज़ों को सामने लाना जो कि उस प्रवृत्ति, उस अभिवृत्ति के बारे में अच्छे प्रभाव डालें। प्रेरक संप्रेषण, बहुत आवश्यक है कि बच्चों को ऐसी कहानियाँ सुनाई जाएँ जो कि उनके लिए प्रेरक या प्रेरणा का काम करें और जिससे बालक के अंदर अच्छी अभिवृत्ति का विकास हो सके। अतः बालकों के अभिवृत्ति निर्माण में शिक्षक की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है और साथ ही साथ माता पिता भी सही वातावरण उपलब्ध कराएं, ये उनकी जिम्मेदारी है। अतः उसे उन तकनीकियों से परिचित होना चाहिए जिनके द्वारा बालकों की अभिवृत्ति को वांछित रूप दिया जा सके, तभी हम अपने समाज में लवकुश जैसे बालकों का विकास कर सकेंगे, विवेकानंद जैसे व्यक्तित्व का निर्माण कर सकेंगे और छत्रपति शिवाजी जैसे वीर पुरुष को जन्म दे सकेंगे। और इसके साथ मैं आशा करती हूँ कि सही अभिवृत्ति के विकास के लिए हमारे शिक्षक और हमारे माता पिता अपने बालकों के प्रति सजग होंगे, जिससे कि उनको सकारात्मक दिशा मिल सके। धन्यवाद।